चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रसगुल्ला बनाएंगे। यह बंगाल का फेमस स्वीट डिश है, तो चलिए रसगुल्ला बनाना शुरू करते हैं। रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसे गैस पे उबलने के लिए मैंने रख दिया। ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब हम लोग गैस ऑफ कर देंगे और 2 मिनट के बाद ये नींबू डाल करके हम लोग दूध फाड़ेंगे। ये मैंने 3 टेबल स्पून नींबू का रस और 3 टेबल स्पून पानी लिया है। जितना नींबू का रस रहेगा उतना ही हम लोग पानी मिक्स करेंगे, फिर दूध को इसी से फाड़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐसे नींबू का रस डालेंगे ऐसे, और इसको मिक्स भी करते रहेंगे साथ में, इस तरीके से इसको मिक्स भी करेंगे। ये देखिए हमारा दूध फट चुका है। अब इसमें हम लोग ठंडा पानी मिक्स करेंगे। अब ये हमारा दूध अच्छे से फट गया है। अब इसमें हम लोग इस तरीके से ठंडा पानी डालेंगे, फिर इसे छान लेंगे। ये मैंने कॉटन का कपड़ा छन्नी के ऊपर डाल दिया है। अब इसे हम लोग इस तरीके से छान लेंगे। अब हम लोग इसको ठंडे पानी से इस तरीके से वॉश कर देंगे ताकि हमारा जो नींबू का खट्टापन है वो निकल जाए। इस तरीके से हम लोग छेना का पानी निचोड़ लेंगे, हल्के हाथों से निचोड़ेंगे। ज़्यादा प्रेस करेंगे तो हमारा छेना हार्ड बनेगा। इस तरीके से निचोड़ करके बस निचोड़ करके फिर इसे छोड़ देंगे। कुछ भी 1 केजी का वजन हम लोग 5 मिनट तक इस छेना के ऊपर रख देंगे, बस 5 मिनट के लिए। ये मैंने रख दिया। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हम लोग इसको ऐसे इस तरीके से हटा लेंगे और अपना छेना निकाल लेंगे। ये छेना हमने निकाल लिया। 5 मिनट तक हम लोग 1 केजी का वजन इसीलिए रखते हैं क्योंकि हमारा छेना का जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। हमारा छेना ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग छेना को इस तरीके से मसलेंगे और तब तक मसलेंगे जब तक कि हमारा छेना चिकना ना हो जाए। हम लोग 5 मिनट तक इसी तरीके से इसको मसलेंगे, बस 5 मिनट तक। अब 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा छेना भी एकदम चिकना हो चुका है। अब इसमें हम लोग 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 1 चम्मच इस तरीके से, और फिर 1 से 1.5 मिनट तक इसको फिर से मसलेंगे। अब 2 मिनट हो चुके हैं, कॉर्नफ्लोर भी छेना में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम लोग इस छेने का गोली बनाएंगे। इधर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अब हम लोग चाशनी तैयार करेंगे। इस कप से ये 2 कप हम लोग चीनी डालेंगे। 2 कप मैंने चीनी डाला और 4 कप पानी। मैंने गीले कपड़े से इस छेना को ढक दिया था। अब हम लोग इसकी गोली बनाएंगे। अब हम लोग हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से छेने की गोली बनाएंगे। छेने में बिल्कुल क्रैक नहीं होने चाहिए, इस तरीके से। इस तरीके से हम लोग छेने की गोली बनाएंगे और गीले कपड़े से सारे गोली को हम लोग ढक देंगे, इस तरीके से ढक देंगे ताकि हमारा जो छेना है वो सूखे नहीं, और जो बचा हुआ छेना है उससे भी गोली बनाकर तैयार कर लेंगे।
ये हमारा सिरप हो चुका है। अब इसमें हम लोग 2 चम्मच दूध डालकर इसकी गंदगी को इस तरीके से साफ कर लेंगे। अब इस तरीके से हम लोग चीनी का गंदगी साफ कर लेंगे ताकि हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बिल्कुल वाइट बने। अब हम लोग इसमें से आधी चाशनी निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने तक रखेंगे और फिर उसको हम लोग फ्रिज में डालेंगे। आधी चाशनी है इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। ये मैंने आधी चाशनी निकाल लिया है। अब इसे रूम टेम्परेचर पे आने तक इसको ठंडा होने देंगे। बचे हुए चाशनी में हम लोग आधे कढ़ाई से भी ज़्यादा पानी डालेंगे। पानी आप जितना ज़्यादा हो सके आप डाल सकते हो। इस तरीके से डाल लिए। अब पानी में उबाल आने देंगे। जब पानी बहुत खौलने लगेगा तब हम लोग इसमें एक एक करके रसगुल्ले डालेंगे और गैस का फ्लेम हाई ही रखेंगे। अब ये हमारा चाशनी काफ़ी खौल रहा है। अब हम लोग एक एक करके रसगुल्ले इसके अंदर डालेंगे। इस तरीके से एक एक करके हम लोग डालेंगे। ये मैंने सारे रसगुल्ले पानी के अंदर डाल दिए हैं। अब इसे 2 मिनट तक हम लोग खुले में पकने देंगे और गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इस रसगुल्ले को इस तरीके से ढक देंगे। आप देख सकते हैं हमने ये छेद वाली ढक्कन लिया है। ये इसमें थोड़ा सा हल्का सा होल है। अगर आपके पास ऐसा लिड नहीं है तो आप जो भी स्टील का प्लेट यूज़ करते हैं उसे थोड़ा सा हल्का इस तरीके से खुला छोड़ दीजिएगा। अब इसे हम लोग 5 मिनट तक ऐसे ढककर पकाएंगे। ये हमारा चाशनी रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब इसे हम लोग फ्रिज में डाल देंगे। ये वही चाशनी है जो हमने कढ़ाई से आधा निकाल लिया। ये देखिए हमारा रसगुल्ला कितना सुंदर बन रहा है। अब 5 मिनट हो चुके हैं। हम लोग इसका ढक्कन हटा के इस तरीके से चेक करेंगे। वाव, अब धीरे हल्के हाथों से इसे पलट देंगे। इस तरीके से पलट देंगे। अब इसे हम लोग ढककर 2 मिनट और पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग ढक्कन को हटाएंगे। और फ्रेंड्स, हमने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाला था। ये जो दिख रहा है ना, वो इलायची पाउडर ही है। अब हम लोग ढककर 1 मिनट और इसे छोड़ देंगे पकने के लिए। 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। इस तरीके से गैस मैंने ऑफ कर दिया और ये ढक्कन हटा देंगे। इस रसगुल्ले को अब हम लोग 2 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग इसे आइस में डालेंगे। ये मैंने चिल्ड वाटर और कुछ आइस लिए हैं। अब एक एक रसगुल्ले को ऐसे थोड़ा थोड़ा सिरप के साथ हम लोग इस आइस में डालेंगे। ये देखिए हमारा रसगुल्ला नीचे बैठ गया है। इसका मतलब हमारा रसगुल्ला रेडी हो चुका है। इस तरीके से हम लोग डालेंगे। इस रसगुल्ले को हम लोग 1 मिनट तक ऐसे ही आइस में रहने देंगे। अब 1 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इस रसगुल्ले को ये चाशनी जो मैंने फ्रिज में रखा था उसमें डालेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको निचोड़ लेंगे और फिर इसके अंदर डाल देंगे। रसगुल्ले को हम लोग इस तरीके से हल्के हाथों से निचोड़ेंगे और फिर ये चाशनी में डाल देंगे। अब ये हमारा रसगुल्ला रेडी हो चुका है। अब आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।